फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका कुशवाहा एंड वेलकम टू आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। ये टॉपिक्स आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे, आयरन का निष्कर्षण कैसे होता है ये बात करेंगे, कॉपर का निष्कर्षण और परासरण दाब, इन चारों टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके आपके एग्जाम में दीर्घ उत्तरी प्रकार के प्रश्नों में पूछे जाते हैं, जो कि 5-5 नंबर का है। अगर ये आप अच्छे से समझ लेते हो तो आपका 10 नंबर तो 100% पक्का है, क्योंकि आयरन का निष्कर्षण या कॉपर का निष्कर्षण तो 100% आता ही आता है। हर साल अल्टरनेट कहीं आयरन का निष्कर्षण पूछ लेता है तो कहीं कॉपर का निष्कर्षण पूछ लेता है, तो इसीलिए इस टॉपिक पर हम लोगों ने वीडियो बनाया है। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इससे या तो इसकी परिभाषा पूछेगा या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो की खास बात यह है कि इस वीडियो में जो हमने ये टॉपिक्स बताए हैं ये तो बताए ही, लेकिन इसके अलावा हम लोग ये बताएंगे कि किस तरह से आपको अच्छे से ये याद हो सकता है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए आप, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए और अपने एग्जाम में आप सब कुछ अच्छे से कर सको, क्योंकि टाइम बहुत कम है और समझना सब कुछ है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया समझने से पहले आप एक इक्वेशन समझिए। ये क्या है, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसका जब अपघटन होगा तो ये H2O और O2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, पहले इक्वेशन बैलेंस कर लेंगे। यहाँ 2 × 4 2 × 4, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब ये क्या है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कैसे पता चला? नहीं भाई, इसको पता आप नहीं कर सकते कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ये हमें पता था इसलिए मैंने लिख दिया, आपको भी पता होना चाहिए कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कोई भी इक्वेशन देकर आप ये नहीं बता सकते हो किस कोटि की अभिक्रिया है, जब तक उसका वेग समीकरण ना दिया गया हो। तो वेग समीकरण क्या होता है, वेग इज प्रोपोर्शनल, ये जो अभिकारक है वो H2O2, ये क्या है, अभिकारक की सांद्रता। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है इसलिए इस पर एक लगा देंगे। ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा जब, तो वेग इज इक्वल टू के, ये नेतांक, ये क्या है, वेग स्थिरांक है आपका, वेग स्थिरांक H2O2। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा क्या है, वह अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा सुनिए, वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रम अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इससे याद करोगे तो याद हो जाएगा, वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये इतना रहा। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया से जो न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न पूछता है वो आप कैसे करोगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है, के इज इक्वल टू, के क्या है आपका, वेग स्थिरांक है, के इज इक्वल टू 2.303 T log 10 A/A-x, ठीक है, 3 T log 10 A/A-x, ये हो गया। ये क्या है, A इसमें क्या है, अगर क्वेश्चन दे दे कि यदि यदि कोई पदार्थ A मोल है, यदि किसी पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा, ये प्रारंभिक मात्रा, यदि किसी पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा A मोल है, T समय बाद उसका x मोल उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। अभिकारक क्या है, a मोल है, t समय बाद x मोल में उत्पाद बनाता है, तो वेग स्थिरांक क्या होगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे बिना हेजिटेट किए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, हो सकता है टाइम ना दे दे, वेग स्थिरांक दे दे, टाइम पूछ ले तो टाइम आपको बताना पड़ेगा। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लो, याद कर लो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएंगे और हर साल आते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि एक साल आता है तो एक साल नहीं आता, हर साल इस पे क्वेश्चन बनते हैं। अगर इस पे नहीं बना तो ये बनता है, अर्धायु, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायु कैसे होता है, 0.693 A/K, ठीक है, ये होता है। अगर अर्धायु वेग स्थिरांक दे दे और अर्धायु पूछे तो इस तरह से आप अर्धायु निकालोगे। अर्धायु के फॉर्मूले में देखो ए नहीं है, तो अगर ये पूछ ले आपसे, ये भी पूछ लेगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की मात्रा किस पर निर्भर नहीं करती, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायु की अर्धायु प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। जो अर्धायु है किस पर निर्भर नहीं करती, प्रारंभिक मात्रा पर, क्योंकि इसमें प्रारंभिक मात्रा नहीं है। अब आते हैं हम लोग, इतना हो गया ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया से,
इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट है इतना ही बताएंगे, ज्यादा बताएंगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी और टाइम बहुत कम है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इससे जरूर प्रश्न बनेंगे। दूसरा क्या है आपका, आयरन का निष्कर्षण है, आयरन का निष्कर्षण इस पे चर्चा होनी है। तो आयरन के निष्कर्षण के लिए कुछ पद प्रयुक्त किए जाते हैं, कौन कौन से पद प्रयुक्त किए जाते हैं? सबसे पहले अयस्क का सांद्रण होता है, अयस्क का सांद्रण होता है, सबसे पहले क्या होता है, अयस्क का सांद्रण होता है। दूसरा क्या है, दूसरा होता है निस्तापन व भर्जन, निस्तापन होगा फिर भर्जन होगा, निस्तापन होगा फिर उसके बाद क्या होगा, भर्जन, भर्जन के बाद क्या आता है, प्रगलन होता है, अयस्क का प्रगलन कराया जाता है। प्रगलन में भी चार पॉइंट होते हैं जो अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम अयस्क का सांद्रण कैसे होता है ये डिस्कस कर लेते हैं, ये मैंने इसको रफ किया। अब अयस्क का सांद्रण, आयरन के अयस्क का सांद्रण करना, देखिए ये भी पूछ लेता है आयरन के मुख्य अयस्कों का नाम बताइए, तो आप क्या क्या है, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है, ये सारे क्या है, आयरन के मुख्य अयस्क हैं, तो मुख्य अयस्कों का नाम भी आपको याद रखना चाहिए। तो आयरन के ऑक्साइड अयस्क से हम सांद्रण करने चल रहे हैं, तो अयस्क का जब सांद्रण, पहला पद क्या है अयस्क का सांद्रण, अयस्क का आयरन के अयस्क का सांद्रण किससे किया जाता है, आयरन के अयस्क सांद्रण के लिए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। अब ये गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्या है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में क्या होता है कि अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद उसे पानी की तेज धारा में प्रवाहित किया जाता है, जिससे जो हल्की अशुद्धियां होती हैं वो बह जाती हैं और भारी अयस्क रह जाता है। तो इस प्रकार से अयस्क का सांद्रण होता है, ये क्या, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, इसे आप समझ लीजिए, थोड़ा सा लिख दीजिएगा इसमें कि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में ऐसा किया जाता है, ठीक है। अब क्या आता है, निस्तापन, ये कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे कि चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा भी कर सकते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा वोल्फ्रेमाइट, ये भी आयरन का एक अयस्क है, वोल्फ्रेमाइट, FeWO4 होता है वोल्फ्रेमाइट, उसका सांद्रण हम चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा करते हैं, लेकिन जो ऑक्साइड अयस्क है उनका सांद्रण हम गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा ही करते हैं। अब आता है निस्तापन, निस्तापन क्या करेंगे, अयस्क एक ले लेंगे, आयरन का अयस्क क्या है Fe2O3, ये निस्तापन की प्रक्रिया होने जा रही है। निस्तापन की प्रक्रिया लिखने से पहले अगर आप थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हो तो निस्तापन की परिभाषा लिख दो, निस्तापन की परिभाषा क्या होता है, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। तो निस्तापन ऐसे लिख दो और कह दो कि आयरन के निष्कर्षण के लिए निस्तापन की प्रक्रिया इस प्रकार से है, Fe2O3 × 3H2O, ये हुआ। इसको क्या कहते हैं, ये लिमोनाइट अयस्क है, ये जो आयरन का अयस्क है ये लिमोनाइट अयस्क है, इसका जब निस्तापन हुआ तो ये हो गया Fe2O3 + 3H2, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, बस आपको लिमोनाइट अयस्क को याद रखना है, लिमोनाइट अयस्क को आपको याद रखना है, उसके बाद ये तोड़ देना है और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब भर्जन कराएंगे, आयरन का अब भर्जन कराएंगे, भर्जन को भी अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो भर्जन की परिभाषा लिख दो कि आयरन अयस्क को क्या कहते हैं, वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में, देखो निस्तापन में क्या होता है, अनुपस्थिति, वायु की अनुपस्थिति, याद कैसे रखो, क्योंकि भूल जाते हैं सब लोग, कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें अनुपस्थिति थी और किसमें वायु की उपस्थिति थी, तो जो ना है निस्तापन ना, उसमें अनुपस्थिति है, जो भर्जन है उसमें वायु की उपस्थिति में उस अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। भर्जन में क्या होता है, भर्जन में जो अयस्क होते हैं, वो अयस्क में जो अशुद्धियां उपस्थित होती हैं वो क्या होता है, वो ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती हैं अयस्क से। अब आयरन के अयस्क में कौन कौन सी अशुद्धि होती है, सल्फर की अशुद्धि होती है, आर्सेनिक की अशुद्धि होती है, इसके अलावा भी कई अशुद्धियां होती है जो कि ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती है। सल्फर निकला ऑक्साइड के रूप में क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीर का चिन्ह लगा देंगे तो यानी ये बाहर निकल जा रहा है गैस के रूप में। आर्सेनिक ऑक्साइड, बैलेंस है ना इक्वेशन, हाँ, तो ये हो गया भर्जन की प्रक्रिया में, ये करेंगे आप, ज्यादा बढ़ाना नहीं है, कुछ भी बढ़ाना नहीं है, आप इस तरह से करोगे तो आपको इजी लगेगा, थोड़ा थोड़ा लिख दोगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा, ये शॉर्ट ट्रिक है, आप इसे किताबों को खोलोगे देखोगे इतने बड़ी बड़ी चीजें ये है वो है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी जाती हैं, बस पूरा नहीं लिखा जाता, विस्तार से लिखोगे तो कैसे कर पाओगे, पेपर हल नहीं कर पाओगे पूरा, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रही हूँ, ये अगर आप कर दोगे पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। प्रगलन की प्रक्रिया क्या होती, प्रगलन की प्रक्रिया में ना
प्रगलन की प्रक्रिया जो है वो वात्या भट्टी में कराई जाती है। सबसे पहली लाइन तो आप ये लिखोगे, प्रगलन की प्रक्रिया वात्या भट्टी में कराई जाती है। वात्या भट्टी में चार खंड होते हैं, कौन कौन से? ये दहन खंड, गलन खंड, धातुमल खंड अपचयन खंड। ठीक है, ये चार खंड होते हैं वात्या भट्टी में। ठीक है, दहन खंड, जैसा कि दहन खंड नाम से ही पता चल रहा है कि दहन खंड में दहन होगा। किसका दहन होगा? कोक का दहन होगा। कोक का जब दहन होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो बचा हुआ कोक है उससे अभिक्रिया करेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, बहुत कठिन रिएक्शन नहीं है, एक बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। गलन खंड क्या है? गलन खंड में कोई रिएक्शन नहीं है, बड़ी अच्छी बात होगी कि इसमें कोई रिएक्शन नहीं करना है, बस आपको लिखना है कि गलन खंड में प्रक्रिया क्या होती है। गलन खंड में जो हमारा अयस्क है वो गलित हो जाता है, जो अशुद्धियां हैं वो नीचे भट्टी के नीचे बैठ जाती हैं और बाकी का अयस्क ऊपर की ओर उठता है। ये सबसे दहन खंड, ये सबसे भट्टी के नीचे का भाग है, ये गलन खंड उसके ऊपर है, फिर धातुमल खंड उसके ऊपर है, फिर अपचयन खंड उसके ऊपर है। ठीक है, तो गलन खंड में तो जो अशुद्धियां हैं वो गलित होकर नीचे बैठती हैं। अब धातुमल खंड में भी बहुत अच्छा है, धातुमल खंड में धातुमल बनेगा, क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, ये सिलिका है, ये गालक है, सिलिका से अभिक्रिया, ये अम्लीय गालक है। आपके क्वेश्चन में पूछ ले तो सिलिका कौन सा गालक है, अम्लीय गालक है, इससे अभिक्रिया करके क्या करेगा? धातुमल बना लेगा। अब अपचयन खंड में क्या होना, अब अपचयन खंड में आपको आपका आयरन प्राप्त हो जाएगा। अपचयन खंड में जो ये आपको Fe2O3 मिला था, इसको क्या कहते हैं? हेमेटाइट है ये आयरन का है इसका Fe2O3। ठीक है, ये Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, उसके बाद क्या बनाएगा? आपका आयरन बनाएगा Fe+CO2। ये हुआ Fe2O3, ये 2CO नहीं होगा, ये 3CO होगा। ठीक है, ये 3CO, फिर ये क्या होगा? Fe, ये 3CO2। ठीक है, ये 2Fe हो गया आपका। इक्वेशन बैलेंस है, 3O है यहाँ पे, 3O, ये 3 × 6 O, 3 कार्बन, 2Fe ये है। ठीक है, आपका यहाँ से आयरन प्राप्त हो गया। अब अगर आप आयरन का शोधन लिखना चाहते हैं तो लिख दो, नहीं लिखना चाहते तो यहाँ से छोड़ दो, आपको आयरन मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया आयरन का निष्कर्षण। अब क्या आता है? अब कॉपर का निष्कर्षण आता है। कॉपर के निष्कर्षण में भी इतने ही पद रहेंगे, पहले इसका साधारण किया जाएगा, हाँ उसमें निस्तापन नहीं किया जाता है, फिर भर्जन किया जाएगा, प्रगलन किया जाएगा, उसके बाद बेसेमर परिवर्तक का प्रयोग किया जाएगा। चलिए देखते हैं, पहले इसको हम रफ करेंगे। चलिए, मैंने इसे रफ कर दिया है, अब हम लोग कॉपर के निष्कर्षण के बारे में बात करेंगे। ये भर्जन वाला मैंने रफ नहीं किया है क्योंकि अभी जो हमारा कॉपर का निष्कर्षण होगा उसमें भर्जन की प्रक्रिया सेम होगी, इसीलिए इसको रफ नहीं किया है, ये आपका कॉमन है। अब इसमें इसमें क्या क्या पद प्रयुक्त होंगे? इसमें भी सेम, अयस्क का सांद्रण होगा, निस्तापन नहीं होगा, यहाँ पे भर्जन होगा, फिर प्रगलन होगा। ठीक है, उसके बाद बेसेमीकरण प्रक्रिया होगी। तो अयस्क का सांद्रण हम पहले देखेंगे। सबसे पहले अयस्क के सांद्रण में क्या किया जाता है, किस विधि द्वारा अयस्क का सांद्रण किया जाता है? जो कॉपर पाइराइट के जो अयस्क होते हैं उनका सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो फेन प्लवन विधि में होता क्या है? फेन प्लवन विधि में हम एक टैंक में जो अयस्क है उसको तोड़कर उसके चूर्ण बनाकर उसको में डाल लेते हैं, उसके बाद उसमें पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद चीड़ का तेल तथा पोटेशियम एथिल जेंट्रेट मिलाते हैं। उसको मिलाने के बाद तेज वायु की तेज धारा उसमें प्रवाहित कर देते हैं। वायु की तेज धारा प्रवाहित करने से क्या होता है भाई? वायु की तेज धारा जब प्रवाहित करते हैं तो जो हमारा अयस्क होता है वो फेन के रूप में ऊपर आ जाता है, जो अशुद्धियां होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। ठीक है, अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है तो इस तरह से सांद्रित अयस्क हमें प्राप्त हो जाता है। सांद्रित अयस्क जब हमें प्राप्त हो गया तो सांद्रित अयस्क का भर्जन करवाना होगा। अब भर्जन को भी यही होगा, उसमें सल्फाइड अयस्क की अशुद्धियां होंगी, आर्सेनिक की अशुद्धियां होंगी, जो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी और हमारे अयस्क से दूर हो जाएंगी। ठीक है, यही दोनों पद होंगे, इसके अलावा एक पद ये होगा कॉपर पाइराइट। हाँ, एक बात और है, इसमें ये भी पूछता है कि कॉपर के प्रमुख अयस्क क्या है। तो कॉपर के प्रमुख अयस्क में मुख्य अयस्क तो ये कॉपर पाइराइट है आपका, जिसका फॉर्मूला था CuFeS2, ये कॉपर पाइराइट है। इसके अलावा होते हैं कॉपर ग्लांस होता है, मैलेकाइट होता है, इत्यादि जो है वो कॉपर पाइराइट के, वो कॉपर के अयस्क है। ठीक है, ये भी आपसे पूछता है इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। ये हो गया कॉपर पाइराइट। अब कॉपर पाइराइट क्या होगा, इसका जब ऑक्सीकरण होगा ये बनेगा Cu2S, ये क्या cuprous sulfide plus ferrous sulfide, ठीक है, ferrous sulfide और सल्फर डाइऑक्साइड।
दो दुना चार सल्फर है, यहाँ एक सल्फर, दो सल्फर, चार सल्फर हो गया, ठीक है। दो एक तीन, तीन एक चार, दो कहाँ पर है, इक्वेशन बैलेंस है। तो ये हो गया। अब क्या प्रक्रिया होगी? अब प्रगलन की प्रक्रिया होगी। प्रगलन की प्रक्रिया हम लोग यहाँ, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रगलन आया। प्रगलन में क्या होगा, जो फेरस सल्फाइड है, फेरस सल्फाइड, ये क्यूप्रस ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड क्यूप्रस ऑक्साइड से अभिक्रिया करके फेरस ऑक्साइड बनाएगा। फेरस ऑक्साइड बना और क्या बन गया, क्यूप्रस सल्फाइड बना। Fe Fe है, ये CU2 CU2 है, एक ऑक्सीजन, ठीक है, बैलेंस है। क्या होगा अब, ये जो फेरस ऑक्साइड है, ये फेरस ऑक्साइड हम लोग मार्कर चेंज कर लेते हैं। फेरस ऑक्साइड जो हमारा है, ये फेरस ऑक्साइड सिलिका से अभिक्रिया करके, सिलिका क्या है हमारा, सिलिका अम्लीय गालक है, ये अम्लीय गालक है, इससे अभिक्रिया करेगा तो धातु मल बना लेगा, ठीक है, O3। ये धातु मल हमारा बन गया। ये हो गई प्रगलन की प्रक्रिया। प्रगलन की प्रक्रिया कहाँ हो रही है, वात्या भट्टी में हो रही है। इस तरह से अब जब प्रगलन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तो हमारा क्या बचेगा, फेरस सल्फेट और क्यूप्रस सल्फाइड, ये दोनों के मिश्रण को क्या कहते हैं, मैट कहते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फेरस सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड के मिश्रण को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मैट कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, बेसेमरीकरण की प्रक्रिया होगी। बेसेमरीकरण की प्रक्रिया बेसेमर परिवर्तक में की जाती है। अगर आपको चित्र बनाना आता है तो आप एग्जाम में बना सकते हो। बेसेमरीकरण में क्या होगा कि जो हमारा फेरस सल्फाइड है वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, फेरस ऑक्साइड बनाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, ये बनाएगा। फेरस सल्फाइड ऑक्सीजन से क्रिया करके फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। ये क्या है, यहाँ पे एक ऐसा है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, यहाँ पे तीन, इस तरफ तीन ऑक्सीजन है, यहाँ दो ऑक्सीजन, इसको बैलेंस करना है, ठीक है। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ तीन से गुणा कर देते हैं, यहाँ दो से, यहाँ पे भी दो से करना पड़ेगा क्योंकि 2Fe हो गया, 2Fe, अब यहाँ पे भी दो से गुणा कर देंगे तो दो दुना चार, दो छह ऑक्सीजन हुआ, तीन दुनी छह ऑक्सीजन, 2Fe, 2S, 2S, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस है। इक्वेशन बैलेंस करना आपको आना चाहिए। बेसेमरीकरण में ये हुआ। अब ये जो CU2S है, CU2S CU2O क्यूप्रस ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो फफोलेदार तांबा प्राप्त होगा, CU प्राप्त होगा और SO2 प्राप्त होगा, ठीक है, ये हमें SO2 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीजन इधर, इधर दो ऑक्सीजन, यहाँ पे दो से गुणा कर दो ऑक्सीजन हो गया, दो दुना चार, दो छः, छः कॉपर हमें प्राप्त हो गया ये, ठीक है। ये कॉपर क्या, फफोलेदार तांबा है, फफोलेदार कॉपर हमें प्राप्त हुआ है, इसे फफोलेदार कॉपर कहते हैं। इस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं, ये जो प्राप्त हुआ है ये 98% कॉपर शुद्ध है। अगर इससे भी ज्यादा शुद्ध चाहते हो तो इसका शोधन करोगे, किस विधि से, दंड विलोडन विधि या फिर विद्युत अपघटन विधि से इसका शोधन किया जाएगा तो 99.9% शुद्ध तांबा प्राप्त होगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या है हमारा, परासरण दाब। परासरण दाब बहुत ही सिंपल है, इसकी परिभाषा नहीं याद हो पा रही तो इस तरह से फिगर से याद करो। परिभाषा क्या है हमारा, कि जब वह न्यूनतम दाब, वह न्यूनतम बाह्य दाब, जब किसी विलयन पे बाह्य दाब लगाया जाता है तो वह न्यूनतम बाह्य दाब जो विलयन के वाष्प दाब को विलायक के वाष्प दाब के बराबर कर देता है। ये जो विलयन बना है इसमें विलायक होगा, विलेय होगा तभी तो विलयन बना। तो यही कह रहा है कि वह न्यूनतम बाह्य दाब जो जो विलयन पर लगाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प के दाब बराबर कर दे, इस बाह्य दाब को परासरण दाब कहते हैं। ये क्या हो गया, जो दाब लगा रहे हैं ये दाब क्या करे, ये दाब अगर विलयन के वाष्प दाब को विलायक के वाष्प दाब के बराबर कर दे तो इसे परासरण दाब कहेंगे, परासरण दाब कहेंगे, ठीक है। परासरण दाब क्या है, परासरण दाब भाई एक अणुसंख्य गुणधर्म है, अणुसंख्य गुणधर्म है, अणुसंख्य गुणधर्म आपके चार हैं, एक परासरण दाब हो गया आपका, एक हिमांक का अवनमन, एक क्वथनांक का उन्नयन और एक वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये चार हैं जो अणुसंख्य गुणधर्म है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इनमें से कौन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, इन चारों के अलावा जो भी होगा वो अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, उस पर आप टिक लगा दोगे, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को टाइम टाइम पर ताकि आपको मिल जाए, क्योंकि हमारे चैनल पर लगातार ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो अपलोड की जा रही है। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।